नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं अनिंद्यो चक्रवर्ती। पिछले दो महीनों में आपने देखा होगा कि लाखों के तादाद में हमारे शहरों से जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने घर गांव वापस जाने की कोशिश कर रहे थे और लगभग 1 करोड़ वापस चले भी गए हैं। आप देखिए कि हमारे शहरों में लगभग 12 करोड़ कामगार हैं, जो लोग काम करके 12 करोड़, उसमें से 1 करोड़ वापस चले गए हैं। कुछ अनुमान कहते हैं ये जो 12 करोड़ है, इनमें से 3 से 4 करोड़ ऐसे हैं जो गांव से आकर बसते हैं फिर चले जाते हैं वापस। 1 करोड़ वापस चले गए, यानी कि लगभग 9% हमारे शहरों के जो कामगार हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या कहीं पे कोई रेडी निकाल कर काम कर रहे हैं, कहीं पे कारपेंटर हैं, कहीं पे पेंटर हैं, ये सब वापस चले गए हैं। तो सोचिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आ जाएंगे, अब गए हैं कुछ दिनों के लिए, डर के मारे चले गए हैं, आ जाएंगे, फिर से काम पे आ जाएंगे, मुझे घर पेंट करवाना होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ थोड़ा सा मेसनरी का काम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा आपको, क्यों होगा, इसी का हिसाब लगाऊंगा आज के इस एपिसोड में। आपको एक नंबर दिया, लगभग 1 करोड़ लोग हमारे शहर से कामगार हमारे शहरों से वापस चले गए हैं गांव। चलिए, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो काम नहीं करते होंगे, छोटे बच्चे होंगे, लेकिन सरकार का अपना जो अनुमान है उसी में कहा जा रहा है कि 70-80 लाख तो कम से कम ऐसे होंगे जो कामगार हैं, यहाँ से काम छोड़कर गांव वापस गए। इसका एक सिग्नल तो हमें पहले ही मिल गया था मनरेगा के नंबर से। मनरेगा आप जानते हैं क्या है? मनरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जिसके अंतर्गत अगर कोई भी गरीब आदमी गांव में आकर काम मांगे तो सरकार को काम देना पड़ेगा, कम से कम 100 दिनों के लिए देना पड़ेगा। और सरकार ने क्या कहा था, ये COVID-19 के लॉकडाउन के बाद निर्मला सीतारमन जी ने, कि 100 को हम 150 करेंगे और जो मिनिमम वेज है, सबसे कम जो मजदूरी दी जा रही है, उसको 20 रुपए बढ़ा देंगे। 100 दिन को 150 और 20 रुपए बढ़ा देंगे। और इसके लिए 40,000 करोड़ जो कि बजट में तय किया गया था, उससे ज्यादा कहा जा रहा है कि दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट आए, क्योंकि सरकारी आंकड़े जो है ना, कभी ठीक से पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है ये मोदी सरकार के टाइम में। खैर, 40,000 करोड़ रुपए कहा जा रहा है और दिया जाएगा। और अब कल यानी कि शनिवार को एक नया प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। हाँ, ये 50,000 करोड़ में बहुत कम नया है, ज्यादातर बजट में दिया गया है या मनरेगा में जो पहले अनाउंस हो गया है निर्मला सीतारमन जी ने किया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा ही किया जाएगा, लेकिन ये सारा खर्चा फ्रंट लोड किया जाएगा। फ्रंट लोड का मतलब क्या है, अगर सारा 12 महीने में खर्चा किया जाता तो अभी जल्द ही सारा खर्चा किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा बिहार है, जानते हो वहां पे इलेक्शन आ रहा है, तो वहां पर कुछ करना पड़ेगा। साथ में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे जो राज्य हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो वापस गए हैं, और ताकि उनको शहर वापस ना आना पड़े, काम ढूंढने के लिए, इसलिए सरकार कह रही कि हम बहुत सारे रोजगार की योजना गांव में दे देंगे उनको, ताकि उनको आना ना पड़े। एक खबर ये भी है कि 1 करोड़ ऐसे मजदूरों का रजिस्टर बनाया जाएगा ताकि उनको काम दिया जा सके या उनको कोई बेनिफिट दिया जा सके। अब आप सोचिए, 1 करोड़ अगर मजदूर ऐसे चले जाएंगे तो शहरों में क्या होगा, ये आपके दिमाग में थोड़ा सा डाल देता, लेकिन कुछ और खबर आपको दे देता हूं। आप देखिए, मनरेगा की मैं बात कर रहा था, तो अगर हम मनरेगा ले ले तो अप्रैल में जिसका टोटल डेटा हमारे सामने है, जून का धीरे धीरे आ रहा है इसलिए उसको देखना शायद थोड़ा सा उससे हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन हम अप्रैल में तो ले ही सकते हैं। अप्रैल मई में दोनों को मिलाकर पिछले साल 2019 में 4,60,00,000 लोगों को लगभग काम मिला था, डिमांड किया था उन्होंने कि काम हमें चाहिए, और उनमें से 3,82,00,000 लोगों को काम मिला था। यानी अगर हम गैप देख ले तो लगभग 78,00,000 लोगों को काम नहीं मिला। इस साल क्या हुआ है, अप्रैल में डिमांड यानी जो काम ढूंढने वाले हैं वो 2
करोड़ 11 लाख से उतरकर सीधा पहुंच गए थे 1 करोड़ 28 लाख पर। 2 करोड़ 11 लाख से 1 करोड़ 28 लाख पर पहुंच गए थे, यानी कि डिमांड काम ढूंढने वाले लगभग 39% गिर गए थे। और काम मिला कितनों को था? पिछले साल 2019 अप्रैल में 1 करोड़ 70 लाख लोगों को काम मिला था, उतने तो ढूंढ ही नहीं रहे थे इस बार, और काम मिला लगभग इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 11 लाख के बीच लोगों को काम मिला। लोग नहीं है, ये हाउस होल्ड है, यानी परिवार है, ऐसे लोगों को काम मिला। हम ये कंपैरिजन परिवार का कर रहे हैं क्योंकि परिवार का डेटा हमारे सामने है, कितने परिवार के लोग ढूंढ रहे काम और कितनों को मिला है। खैर, अगर हम इन दोनों को जोड़े, मई में काम ढूंढने वाले पिछले साल मैंने कहा लगभग 2.5 करोड़ थे, वो जंप होकर 3 करोड़ 61 लाख हो गए। 3 करोड़ 61 लाख लोग मनरेगा में काम ढूंढने गए क्योंकि उनके पास काम नहीं था। उसी वही लोग मनरेगा में काम ढूंढने जाते हैं क्योंकि मनरेगा काम खास कुछ है नहीं। खैर, अगर हम ये जंप देखें कितना है, लगभग 45% लोग ज्यादा काम ढूंढने लगे। और सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी काम दिया, ये नहीं काम नहीं दिया। आप देखिए पिछले साल 2.5 करोड़ लोग काम ढूंढ रहे थे मई में, 2 करोड़ 12 और 2 करोड़ 13 के बीच लोगों को काम मिला, परिवारों के काम मिला। इस साल 3 करोड़ 61 लाख परिवार काम ढूंढ रहे थे मई में, और उनमें से 3 करोड़ 28 लाख परिवारों को काम मिला। यानी कि काम मिलने वाले परिवारों का जो तादाद है मई में वो 55% बढ़ गया। अगर हम अप्रैल मई दोनों को जोड़ ले तो काम ढूंढने वाले लोग लगभग 6% बढ़ गए, 6% थोड़ा ज्यादा, और काम मिलने वाले लोगों की तादाद लगभग 15% थोड़ा कम बढ़ गया। यानी कि आप देखिए कि गांव में काम ज्यादा बढ़ा है, शहरों में काम नहीं है, ये साफ है। और लेटेस्ट जो CMI का भी डेटा आया है उसमें हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर पिछले महीने के तुलना में घटा जरूर है, 13% पे आ गया है जून के बीच में। और उसमें भी कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गांव में जल्दी घटा है, शहर में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पर या शहर पर या इंडस्ट्री पर क्या होने वाला है? इसका इम्पैक्ट जो कि अच्छा है गरीबों की तरफ से तो अच्छा है कि जब 1 करोड़ लोग कम हो गए, यानी 8-9% लोग काम करने वाले शहरों में कम हो गए हैं, तो आप सोचिए कि जब सारा इंडस्ट्री वापस आएगा, कंस्ट्रक्शन वापस आएगा, दुकानें फिर से खुलेंगी, तो हम देखेंगे कि काम करने वाले लोग थोड़े कम हो गए। क्योंकि हम अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखे, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मार्च में भी देखे, तो भी लगभग 1 करोड़ लोग ही शहरों में बेरोजगार थे। अगर वो सब चले गए तो बेरोजगारी दर तो घट जाएगा, लेकिन आपको शायद जो बिजनेस वाला है उसको शायद मजदूरी ज्यादा देना पड़े किसी भी काम के लिए। अगर आपको किसी भी काम के लिए बुलाना पड़े तो हो सकता है आपको मजदूरी ज्यादा देना पड़े। ये सही है, मजदूरी ज्यादा देना पड़ चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि गरीब आदमी को तो मजदूरी ज्यादा मिलना चाहिए। आप देख लीजिए हमारे देश में शहरों में कैसे रहते हैं ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं। लेकिन क्या इस वक्त आपके पास, आप सक्षम हैं क्या? अगर आपका छोटा बिजनेस है, क्या आप मजदूरी देने के लिए सक्षम हैं ज्यादा? क्या अगर आपका कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या आप और मजदूरी देने के लिए सक्षम हैं? तो एक तरीके से अर्बन इंडिया यानी कि शहरों में एक असमंजस का माहौल बन चुका है, एक आर्थिक स्थिति बन गई है जहां पे रेवेन्यू कम है, अर्निंग कम है, लेकिन हो सकता है कि जो नीचे के या ब्लू कॉलर वर्क हम कहते हैं, जो कि मजदूरी का काम है, उसमें आपको मजदूरी ज्यादा देना पड़े। यानी कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि व्हाइट कॉलर जो बाबू लोग हैं, हमारे जैसे मैनेजर टाइप के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, ऐसे लोग जो सूट बूट पहन के, शर्ट पहन के काम पे जाते हैं, ऐसे लोगों का हो सकता है सैलरी कम हो जाए, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है उनको हो सकता है ब्लू कॉलर जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको ज्यादा देना पड़े, क्योंकि ऐसे लोग जो ये काम करते हैं वो गांव वापस चले गए और सरकार योजना बना रही है कि ज्यादातर जो गए हैं उनको गांव में ही काम मिल जाए। तो गांव के लिए अच्छा है, लेकिन शहर के जो मिडिल क्लास वाले हैं और कॉरपोरेट वाले हैं उनका थोड़ा मामला टाइट होने वाला है। आज का इकोनॉमी का हिसाब किताब यही तक।
you